तो गाइस अभी हम कट्ठे से वापस आ गए हैं, और जैसा कि मैंने पहले पहले पार्ट में बोला था कि इस पहाड़ पे तो चढ़ना ही चढ़ना है ना, तो अभी फिर इधर भी चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा दोस्त ये भाई हमारे साथ हैं, उतरने चढ़ने में मदद करेंगे वो वाले, और ये भाई लटकते बहुत अच्छे हैं। बाकी कट्ठे की जो वीडियो थी ना वो अभी तक मुझे मिली नहीं है, ठीक ना, तो मैंने वो दूसरे कदम के फ़ोन से खींची थी, तो वो मिलेंगी शायद। मैं पहले ये वाला पार्ट अपलोड कर दूँ, अगर वो पहले मिल गई तो फिर मैं उनको अपलोड करूँगा पहले। और अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं। चल पूरा घर। अच्छा पहाड़ चढ़ना मुश्किल तो लगता है देखने में, लेकिन ना टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब चढ़ते हैं ना पता भी नहीं चलता, हम चढ़ भी जाते हैं। अच्छा तो दिन में ना बारिश भी हो रही थी, तो घास वगैरह बहुत स्लिपरी भी हुआ है, और अभी तो थोड़ा सा मतलब सही कर्व है, लेकिन ऊपर जाके ना तकरीबन स्ट्रेट ही है। उधर फिर शायद वीडियो बनाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि समझ लो ना किस किन लफ्ज़ों में बयां करें जो हमारे दिल में है। ये देखो ये रहा घर। भाई हमारे इस भाई की तो सांसें निकल गई, इससे नहीं चढ़ा जा रहा। और ये हम कट्ठे में भी गए, इसने काफ़ी डाइवें मारी हैं, तो इसको एक लगी भी थी। तकरीबन सारा पहाड़ चढ़ गए, आगे की ये जगह रहती है, लेकिन ना ये रिस्की है बिल्कुल, क्योंकि ना इधर से आगे स्ट्रेट है सारा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं अभी। चलो ऊपर खींचेंगे इस वाले बट्टे में, इस तरफा अभी मेरे को इधर ये रास्ता है। चल तो गाइस अभी हम बहुत बहुत ऊपर तक चढ़ गए हैं, और ये देख लो ऊपर दिखा के रहा, थोड़ा सा रास्ता रहता है, लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से चढ़े। नहीं है रास्ता आगे, देखो कितना ऊपर आ गया, पूरा दिखा दूसरी तरफ दिखाओ, जूम करो घर, वो देखो वो घर है। कट्ठा दिखाओ इनको, हम जहाँ से आए आज दिन में, वो देखो वो मेरी तरफ जूम कम करके, मेरी तरफ मेरी तरफ, वो जो पीछे वाले पहाड़ नहीं है उसके नीचे कट्ठा था, और इधर अभी कोशिश करते हैं कि हम पुल ऊपर तक चढ़ जाएं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे की तरफ देखो पहाड़ बिल्कुल सीधा है। नीचे देखो यार बहुत मुश्किल पहाड़ है, देखो आगे तो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, चढ़ने का कहीं नहीं है, शूज भी स्लिप मारे तेरी माँ की।
तो फाइनली गाइस आखिरकार हम पहुंच गए। जान निकल गई है, जान निकल गई। और अभी ना मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही क्योंकि उधर एक अंकल बैठे मैं बोल रहा था, उन्होंने अचानक इस तरह देखा कि लेकिन फिर भी चलो बकवास तो मैं करूँगा, मेरी आदत है। बहुत मुश्किल था और अभी वापसी मैं नहीं जा रहा इस रास्ते से, वो पीछे से घूम के सीधा सीधा रास्ता है, रोड है, उधर से जाऊँगा, लंबा रास्ता है लेकिन सेफ है, मैं वापस उधर से जाऊँगा। अच्छा तो गाइस नीचे पूरा जंगल है और मेरा जाने का बड़ा दिल कर रहा है इधर, लेकिन ना मगरिब होने वाली है, तकरीबन कोई 7 बज गए, थोड़ी देर में इधर अंधेरा होगा और नीचे घना जंगल है, तो इधर ना थोड़ी लोमड़ियाँ और गीदड़ का खतरा होता है, वरना वो ऊपर पहाड़ देख रहे हैं, हमने चढ़ना उस पहाड़ पे था, लेकिन ना हम इकट्ठे से आते आते हमें लेट हो गया, तो अब इधर तक ही हम आए। अब दुआ करो कि हम रोशनी रोशनी में पहुंच जाए, क्योंकि रोशनी रोशनी में नहीं पहुंचे तो फिर गीदड़ और लोमड़ियाँ आ जाएंगी, तो फिर बड़ा बुरा सीन होगा। ठीक है मैम। अच्छा देख लो अभी अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, अभी कल्टी मारते हैं क्योंकि ना हमारे इस भाई की फट रही है और मेरी भी फट गई, लेकिन मेरी डर वाली नहीं फटी, मेरी ना वो पैंट फट गया। ठीक है अभी फुल टॉप पे हम, देखो सूरज ढल रहा है, सूरज तो बल्कि गायब हो गया और वो हमने जाने घर पे, बहुत दूर है, अल्लाह खैर करे। भाभी की तरफ और वापसी का सीधा रास्ता भी नहीं पता है हमें, तो कुछ बोल दे भाई। वापसी का कुछ रास्ता भी नहीं पता, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कर लेंगे कुछ, कुछ ना कुछ हो जाए। चलो ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे भाई मिले, ये हमें रास्ता बता रहे हैं। ठीक है अभी मैं बीच बीच में क्लिप्स लेता रहता हूँ और फिर घर पे पहुँच के व्लॉग को एंड करते हैं। चलो ठीक है, यानी बिस्मिल्लाह करते हैं नीचे जाने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता करके जाते हैं नीचे। अच्छा ये भाई पैदा इधर हुआ है गांव में ही, लेकिन ना ये आज तक इस पहाड़ पे चढ़ा ही नहीं है। चलो ना, मुझे तो नहीं पता रास्ता, देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत देख देख के जाना पड़ रहा है, 2-3 बार मेरे शूज़ भी स्लिप हुए इधर, बहुत देखना पड़ रहा है, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाले साहब। ए बच्चे की खुशी देखो यार पहुंचने की, और हाँ उड़ गया भाई, बहुत थक गया। ठीक है आ जा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम बगैर किसी नुकसान के उतर गए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, हमें कुछ भी नहीं हुआ, पहाड़ आप देखें, इतना बड़ा पहाड़ हम नीचे आए हैं, पर सच्ची बहुत थक गए हम लोग, अभी हम अपने घर जा रहे हैं। ठीक है हो गया आपका, हो गया आपका, घर जाएंगे, हो गया आपका, मेरे चलने में बोलिए। इट इज सच अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग आई डन इन माई लाइफ, और इंशाल्लाह इससे आगे और भी एडवेंचर्स करने हैं, बड़ा मज़ा आया। और सबसे मज़ा पता कब आया, वापसी पे ना तकरीबन कोई पत्थर था 8 फीट का, उस पर मेरा शूज़ स्लिप हुआ और मैं ना उतरते उतरते स्लिप मार के मैं आया हूँ नीचे, मेरा फ़ोन मेरी जेब में था और जिस साइड में मेरा फ़ोन था वही साइड नीचे लगी है, और मेरे फ़ोन पे एक स्क्रैच आया है, नॉट अ स्क्रैच वो क्रैक है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, घर बता हम फाइनली घर पहुँच गए, घर पहुँच गए हम, व्लॉग को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
कॉल।